तो आई थिंक अच्छा ही लगता. लेकिन फैक्ट ये है कि रुकीस के कागोज और टी शर्ट्स और जीन्स में काफ़ी पहनते आया हूँ पिछले आई थिंक साल भर में. आहान हो या मैं हूँ, वी आर कंटिन्यूसली वेयरिंग द प्रोडक्ट. एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, और इसलिए जब मुझे पूछा गया तो मैंने कहा डेफिनेटली, क्योंकि इट्स समथिंग दैट आई एंडोर्स, समथिंग दैट आई वेयर, समथिंग दैट आई बिलीव इन एज अ ब्रांड. एंड आई विश देम द वेरी बेस्ट. आई थिंक पहली दुकान है एज फार एज इंडिया गोज एंड इंडिपेंडेंट स्टोर. प्लान्स बड़े हैं एंड आई ऑनेस्टली विश देम द बेस्ट, क्योंकि इट्स वैल्यू फॉर मनी. एब्सोल्यूटली, अगर बॉडी अच्छी हो तो आप कुछ भी पहन सकते हो. होना ऐसा चाहिए कि फैशन हमें नहीं डिक्टेट करना चाहिए, हमें फैशन को डिक्टेट करना चाहिए. वॉट एवर यू वेयर शुड लुक गुड ऑन यू. एंड दैट्स व्हाई यू नो इट मेक्स सेंस व्हेन यू वॉक इन टू. मैं अपने साइज दे देता हूँ और कपड़े मंगाता हूँ, कभी ट्राई भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि वो फिट होगा. तो आई थिंक टू कैरी गुड क्लोथ यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी, एंड मेहनत वहाँ से शुरू होती है. माई फैशन मंत्र, ट्रेन हार्ड, मेंटेन अ स्मॉल वेस्ट एंड अ गुड शोल्डर साइज, एंड क्लोथ्स विल लुक गुड ऑन यू. आई कीप इट सिंपल, जीन्स, कागोज, टी शर्ट्स. ये नहीं कि एयरपोर्ट के लिए अलग कपड़े पहनता हूँ मैं, खाने के लिए अलग पहन, जो मैं कंफर्टेबल हूँ वही पहनता हूँ. एंड आई ऑनेस्टली बिलीव दिस क्लोथ्स इज समथिंग दैट यू हैव टू फील कंफर्टेबल इन एंड शुड लुक गुड ऑन यू.